सो हे गाइस, क्या हालचाल। पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, क्रेजी दीप और फुकरा इंसान के बारे में। तो उन दोनों का एक सॉन्ग है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तुम मेरे। सो वो गाना श्रद्धा कपूर ने यूज कर लिया। एक्चुअली क्या हुआ, श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट करी, उसमें उन दोनों का सॉन्ग लगाया। सो इसी के ऊपर फुकरा इंसान भी रिएक्ट करें। उन्होंने लिखा, गेस हु एंटर्स दी तुम मेरे टू क्लेम। ऑल्सो आप लोगों को तो पता ही होगा प्राइम ड्रिंक के बारे में। अगर आप लोगन पॉल और KSI को फॉलो करते हो तो वो लोग इसी चीज को प्रमोट करते हैं, प्राइम ड्रिंक को। तो इसी चीज को फुकरा इंसान ने खरीद लिया और उन्होंने लिखा, घर बिक जाए इसे खरीदने में, काफी कॉस्टली आता है गाइस, आप लोगों को बता दो प्राइम ड्रिंक। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन इंडिया के बारे में। सो सोशल मीडिया पे फरवरी के मंथ में कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। सबसे पहले आते कैरी मिनाटी, दूसरे पे आते भुवन बाम, तीसरे पे आशीष, चौथे पे मिस्टर बीस्ट, फिफ्थ नंबर पे टेक्निकल गुरुजी, सिक्स्थ पे संदीप महेश्वरी, चौथे पे ट्रिगर इंसान, फिर आते ध्रुव राठी, फिर है चंदन जुबेर, लास्ट 10th नंबर पे आते मदन गौरी। जब बिग बॉस चालू हुआ था तब फुकरा इंसान और एलबी शादा हमेशा ट्रेंडिंग भी रहते थे, पर फुकरा इंसान की जगह अभी ट्रिगर इंसान है। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, अमित भड़ाना के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा, राम मंदिर के इनॉग्रेशन के दौरान उनको बुलाया गया था, तो उनको एक प्रसाद भेजा गया है राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से। क्या प्रसाद है मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। कैसे हो आप सभी, प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। जब 22 जनवरी को पहले ही दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ था, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा दिन था, मैं बता ही नहीं सकता। और मैंने इतना सौभाग्यशाली अपने आप को माना था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, मेरी पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी। आज मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ है। प्रसाद में मुझे ये पत्थर मिले हैं, और ये प्रसाद है, ये वही पत्थर है जिनसे प्रभु की मूर्ति बनी है। शायद ये लोगों के लिए साधारण पत्थर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद और सबसे बड़ी चीज हो सकती है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं, अपने इतना करीब बना के रखते हैं, पता नहीं मेरे कौन से ऐसे कर्म है जो जोड़कर रखते हैं। बस मैं तो उनके चरणों को स्पर्श ही करना चाहता हूँ। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में। सो आप लोगों को बता दूंगा, इस रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपना फर्स्ट ऑस्कर जीत लिया है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ओपनहाइमर ने भी एक ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है, और क्रिस्टोफर नोलन ने भी एक ऑस्कर जीत लिया है, जो कि डायरेक्टर हैं ओपनहाइमर के। सो गाइस आप लोगों को बता दूं, इस इवेंट में बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती है, फनी चीज हो जाती है। जॉन सीना को बुलाया जाता है एज बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड के लिए, और वो वहां पे नेकेड आ जाते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लिप देख रहे होंगे, और वहां पे सब जॉन सीना को देख के हंस रहे हैं। जॉन सीना का तो गाइस अलग ही सीन रहता है। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, एमी बंटा द रैपर के बारे में। सो गाइस उन्होंने एक सॉन्ग अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे कंपनी। सो गाइस उस कंपनी के हो गए हैं 200 मिलियन और एक साल भी पूरा हो गया है। उसी के ऊपर एमी बंटा ने भी रिएक्ट करा, उन्होंने स्टोरी डाली, उन्होंने लिखा 200 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक व्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सभी पब्लिक, बंटाई की पब्लिक, सहलाब आने बाकी है मेरा भाई, 2024 और भी कंपनी वाइब दूं क्या, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आमिर खान के बारे में। सो किसी ने आमिर खान से बोला कि आप शाहरुख खान की तरह कोई एक्शन धमाके वाली कोई मूवी बनाओ। तो आमिर खान ने बोला, शाहरुख खान बना रहे पठान, बढ़िया उनकी, बट मैं प्रोडक्शन अपने अंडर में ही कर रहा हूँ, आप वो देखो। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, शिल्पा शेट्टी के बारे में। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि राज कुंद्रा से उन्होंने शादी इसलिए करी क्योंकि पैसों के लिए। सो उन्होंने इसी चीज के बारे में उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नहीं, पैसों के लिए मैंने शादी नहीं करी। ऐसे काफी लोग हैं मेरे आगे पीछे जो काफी पैसे वाले हैं, उन्होंने कहा पैसा मेरे लिए कोई डिसाइडिंग फैक्ट नहीं है। उन्होंने कहा मैं भी अमीर थी, मेरे पे भी काफी पैसे थे। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, वायरल क्लिप के बारे में, वायरल वीडियो के बारे में। सो क्या होता है, एक बंदा होता है जिसने मंगलसूत्र चोरी कर लिया होता है। सो पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है, बट एक रिपोर्टर भी वहां पे पहुंच जाती है। अब आगे क्या होता है मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। चैन छीन के भागे हो? चैन किसी का नहीं छीन है, देख लीजिए पॉकेट। कहां है चैन? चैन कहां है तुम्हारा? नहीं है, देख लीजिए पॉकेट। चैन कहां रखा? कहां रखा भला? चैन कहां भागे फेंका? मंगा सूत्र देखिए, दिखाइए जरा मंगा सूत्र। चैन छीन के क्यों भागे? नहीं अंकल, कहां रहते हो? देखिए ये मंगा सूत्र है और ये लड़का छीन के भाग रहा था। पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत दौड़ के इस लड़के को पकड़े। चोरी तुम चोरी क्यों किए? चोरी आगे क्यों चोरी करके तुम भाग? अंकल राय दीजिए, दीदी माफ कर दीजिए। क्या मजबूरी हो गया जी तुम्हारा? दीदी मजबूरी है दीदी, चोरी करना तुम्हारा क्या मजबूरी हो गया? देखिए क्या मजबूरी है तुम्हारा? छोड़ दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किए सर आप लोग, बहुत अच्छा काम किए सर। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किए हैं
और पुलिस लोग को सैल्यूट करते, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत ज्यादा बढ़िया। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। सो गाइस ऋषभ पंत के बारे में अभी काफी बड़ी गुड न्यूज है, उनके फैंस के लिए गुड न्यूज है। कार एक्सीडेंट के 14 महीने बाद बीसीसीआई ने बोल दिया अब आप मैच खेल सकते हो, मतलब कि अब वो 2024 का आईपीएल खेल सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताना। बस आज के लिए इतनी न्यूज थी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना।